मेरे देश के नौजवानों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं ऑल न्यू 2019 बजाज पल्सर NS160 विथ ABS का। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोग की रोजाना ऐसी ही वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, ये है बजाज पल्सर NS160 और अब इसमें आपको ABS मिल जाता है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ सिंगल चैनल ABS मिलता है। डुअल चैनल ABS इसमें आपको नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि इसमें डुअल चैनल ABS दिया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मेन ABS सेंसर आपको मिलता है वो सिर्फ फ्रंट व्हील में मिलता है। रियर व्हील में जो आपको सेंसर मिलता है वो कोई ABS सेंसर नहीं है, दरअसल वो एक स्पीड सेंसर प्लेट है। दोस्तों, स्पीड सेंसर मेनली तब वर्क करता है जब आप अपनी बाइक में फोर्सली ब्रेक अप्लाई करते हो, तो जो अनयूजुअल स्टॉपिंग रेट होती है उसी को ये स्पीड सेंसर कंट्रोल कर लेता है। दोस्तों, प्राइस पहले के मुकाबले 6,500 रुपये बढ़ चुकी है, तो जो प्राइस इंक्रीज हुई है वो मेरे हिसाब से काफ़ी सही है, क्योंकि 6,500 में आपको सिंगल चैनल ABS और स्पीड सेंसर प्लेट मिल जाता है, जो हमारे सेफ्टी पर्पज के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होता है। दोस्तों, बाइक के कलर से लेकर इंजन तक कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, जो चेंजेस है वो सिर्फ सिंगल चैनल ABS का ही है, और बाइक के लुक्स और बॉडी डिजाइन में भी कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। दोस्तों, फ्रंट में आपको फुली DC ऑपरेटेड हेलोजन बल्ब मिलता है और काफी ब्राइट हेलोजन हेडलैम्प इसमें आपको मिलता है, और हेडलैम्प के ऊपर आपको स्मॉल साइज्ड ब्लैक कलर का वाइजर भी मिल जाता है। इंडिकेटर्स इसमें आपको फ्लेक्सिबल इंडिकेटर्स मिलते हैं, जिससे अगर आपकी बाइक गिर भी जाती है तो इंडिकेटर्स टूटने की संभावना कम हो जाती है। और हेडलैम्प के जस्ट नीचे आपको पायलट लैंप्स भी मिल जाते हैं, जो नाइट में आपकी बाइक को काफी अच्छा लुक देते हैं। रियर में आपको ट्विन डिवाइडेड सेक्शन में LED टेल लाइट्स मिलती हैं, जिसकी विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, क्लियर लेंस, फ्लेक्सिबल टर्न इंडिकेटर्स आपको इसमें मिल जाते हैं, और नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर ही आपको येलो कलर का बल्ब मिल जाता है, जो नाइट में आपके नंबर प्लेट को विजिबल कराने में हेल्प कराता है। इसके इंजन के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 160.3 cc का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वाल्व SOHC DTSI ऑयल कूल्ड FI इंजन मिलता है, जिसमें आपको 15.5 PS at 8500 RPM का पावर और 14.6 न्यूटन मीटर at 6500 RPM का टॉर्क मिलता है। इसमें आपको किक और सेल्फ दोनों का ही ऑप्शन मिल जाता है, और इसमें आपको जो नंबर ऑफ गियर्स मिलते हैं वो आपको 5 मिलते हैं। दोस्तों, माइलेज आप इससे कम से कम 45-50 तक का गेन कर सकते हो, बाकी वो तो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप किस तरीके से अपनी बाइक का मेंटेनेंस रख रहे हो। इसकी करेंटली प्राइस के बारे में बात किया जाए तो इसका प्राइस है 1,09,000 ऑन रोड दिल्ली। दोस्तों, इंस्ट्रूमेंट कंसोल इसमें आपको एनालॉग और डिजिटल का कंबाइंड इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है, जिसमें अब आपको जो नया देखने को मिलेगा वो आपको आपके RPM मीटर में ABS इंडिकेटर देखने को मिलेगा, जो कि आपको ओल्ड वाले मॉडल के कंसोल में नहीं मिलता था, और इसमें आपको सारे बेसिक से इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। स्विच गियर क्वालिटी दोस्तों बजाज की हमेशा से ही अच्छी आती थी और आती रहेगी, और आपको यहाँ स्विचेस बैकलाइट्स भी मिल जाएगी, जो नाइट में आपके स्विचेस को विजिबल कराने में सबसे ज़्यादा हेल्प कराएगा। और दोस्तों, यहाँ राइट तरफ के हैंडल में आपको यहाँ इंजन किल स्विच और सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन भी मिल जाता है। दोस्तों, फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक विथ एंटी फ्रिक्शन बुश सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 90x90 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और 240 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और दोस्तों इसमें आपको काफ़ी डिजाइनेबल अलॉय व्हील्स मिलते हैं। रियर टायर और सस्पेंशन के बारे में बात किया जाए तो रियर में आपको नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन मिलता है, जिसमें आपको 120x80 का टायर साइज मिलता है विद 17 इंचेस व्हील साइज, और 230 mm के इसमें आपको डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, और दोनों ही टायर्स इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। और दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ आपको स्पीड सेंसर प्लेट भी दिखाई दे रही होगी। दोस्तों, सीट के बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको बहुत ही कंफर्टेबल और स्प्लिटेड सीट मिलती है, जिससे अगर आप दो लोग बैठ के भी राइड कर रहे हो तो जो राइडर है और जो पिलियनर है उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जो सीट की कुशनिंग है, जो फैब्रिक की क्वालिटी, वो काफ़ी अच्छी है, और आपको यहाँ पिलियन ग्रैब रेल भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए हमारी वीडियो में इस बाइक के लिए इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप लोग रोजाना ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूं। और दोस्तों, अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू बजाज पल्सर NS160 ABS से, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं। अभी के लिए थैंक्स।